नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 9 उप सहसंयोजन यौगिक का अध्ययन करेंगे। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि ये यौगिक किस प्रकार का रंग प्रदर्शित करता है, ऐसे कौन से कारण हैं जो इनके रंगीन या रंगहीन होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम धातु कार्बोनिल यौगिकों की भी चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ आज हम इन यौगिकों में मिलने वाली अलग अलग प्रकार की समावयवताओं की भी चर्चा करेंगे। आइए हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करें। उप सहसंयोजन यौगिकों में रंग। जब श्वेत प्रकाश सैंपल पर से होकर के निकलता है तो सैंपल या प्रतिदर्श उसका कुछ भाग अवशोषित कर लेता है, अतः बाहर निकलने वाला प्रकाश अब श्वेत नहीं रहता है। देखिए, श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। उसमें से किसी एक तरंग दैर्ध्य को वह सैंपल अवशोषित कर लेता है, इसलिए बचा हुआ प्रकाश हमारे पास में अब वाइट नहीं रहेगा। संकुल का रंग वह दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। पूरक रंग अवशेष तरंग दैर्ध्य द्वारा उत्पन्न होते हैं। यदि संकुल हरा रंग अवशोषित करता है तो उसका पूरक रंग हमें लाल दिखाई पड़ता है। वह सैंपल हमें लाल रंग का दिखाई देगा यदि उसने हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित किया है तो। यहाँ देखिए, हमने कुछ अवशोषित रंग तथा उनके पूरक रंग को दिया हुआ है। जैसे अगर पीला प्रकाश अवशोषित होता है तो वह बैंगनी नजर आता है, नीला हरा प्रकाश अवशोषित होने पर वह लाल रंग का नजर आता है, नीले प्रकाश के अवशोषण पर वह पीला नारंगी दिखाई देता है, पराबैंगनी प्रकाश का अगर वो अवशोषण करता है तो हमें वह हल्का पीला नजर आता है, लाल प्रकाश का यदि अवशोषण होता है तो हमें वह नीला नजर आता है, इसी प्रकार नीला हरा प्रकाश अवशोषित होता है तो वह नील लोहित नजर आता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात यह भी है कि देखिए, हमारा जो सेकंड एग्जांपल था, जो लास्ट एग्जांपल है, दोनों में ही हमारे पास में नीला हरा प्रकाश अवशोषित हो रहा है, लेकिन वह दिखाई किस तरह के रहे हैं, एक तो लाल रंग का है और एक है नील लोहित कलर का। ये किस पर भी निर्भर करता है, ये धातु तथा लिगेंड तथा उनकी विपाटन शक्ति पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास डायलो के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माना कि एक संकुल हमारे पास है TiS2 का हॉल 6 3+। इस अवस्था में टाइटेनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। वह इलेक्ट्रॉन इसकी मूल अवस्था में T2G कक्षकों में उपस्थित होता है। जब इसे प्रकाश की प्राप्ति होती है, जब इस पे हम वाइट लाइट को डालते हैं, तो यह इलेक्ट्रॉन डेल ओ के मान के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा उत्तेजित अवस्था में ईजी कक्षकों में चला जाता है। प्रकाश से कुछ ऊर्जा अवशोषित हो गई, कुछ तरंग दैर्ध्य का अवशोषण हो गया, अतः बचा हुआ हमारा जो लाइट है वो वाइट नहीं दिखाई देती है, बल्कि अब क्या होगा, ये हमें रंगीन नजर आने लग जाएगा। इसका हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, इसका हमें बैंगनी कलर दिखाई देने लगता है, यह इसके लिए उत्तरदायी होता है। कितनी ऊर्जा का अवशोषण होगा, जो विपाटन ऊर्जा है जिसे हम डेल ओ कहते हैं, उतनी ऊर्जा का अवशोषण यहाँ पर होता है। लिगेंड की अनुपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन नहीं होता है। यदि धातु ने किसी लिगेंड के साथ में बंध नहीं बना रखा है तो वह पदार्थ रंगहीन होता है, अर्थात वह कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं कर सकता है। लिगेंड क्या करते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन करते हैं। विपाटन के कारण हमारे पास ईजी और टी2जी कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर आ जाते हैं। अब उस अंतर के बराबर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा वाले ईजी कक्षकों में जाता है तथा वे रंग का प्रदर्शन करते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यह एक बहुत अच्छा प्रयोग है जिसे हम प्रयोगशाला में आसानी से कर सकते हैं। जो हमारे पास में निकिल आयन होते हैं, क्या करना है, निकिल क्लोराइड को जल में घोल लेना है। जल में घुले हुए निकिल आयन H2 के साथ में उप सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा वह हरा रंग का हमें नजर आता है।
इसमें हम अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में इथेन डाई एमीन मिलाते हैं। इथेन डाई एमीन मिलाने पर इसका रंग हमें हल्का नीला नजर आने लगता है। और अधिक मात्रा में इथेन डाई एमीन मिलाने पर यह नीला या नील लोहित कलर का हो जाता है। और अधिक मात्रा में यदि इसमें इथेन डाई एमीन मिलाई जाए तो यह हमें बैंगनी रंग का नजर आने लगता है। तो देखिए, जैसे ही लिगेंड बदल रहा है, लिगेंडों की संख्या बदल रही है, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो हमारा संकुल है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कलर प्रदर्शित कर रहा है। एक ही पदार्थ में हम एक ही क्रियाकारक डालते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पर रंग में भी परिवर्तन होता चला जा रहा है। अतः यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि लिगेंड है तो कलर होगा, लिगेंड नहीं है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन भी नहीं है, पदार्थ भी हमारा रंगहीन होगा। ये देखिए हमारे पास में क्या हुआ था, हमने ईयन मिलाते गए और किस प्रकार से हमारे निकिल के जलीय विलयन का कलर परिवर्तित होता चला गया था। लिगेंडों की तथा धातु आयनों की उपस्थिति के कारण ही हमारे जो हीरे जवाहरात होते हैं वो भी रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे रूबी और एमरेल्ड, ये इस तरह का रंग क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि लिगेंड तथा धातु आयन की उपस्थिति यहाँ पर है। अकेला धातु आयन कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि वहां पर लिगेंड न हो। धातु कार्बोनिलों में अबंधन, कार्बन मोनोऑक्साइड धातु के साथ क्रिया करके धातु कार्बोनिल यौगिक बनाती है। ये धातु कार्बोनिल यौगिक हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की ज्यामितियों में उपस्थित होते हैं। जैसे NiCO4 चतुष्फलकीय रूप में उपस्थित होता है, FeCO5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामितीय अवस्था में होता है, CrCO6 यह अष्टफलकीय ज्यामिति में प्राप्त होता है। यहाँ चतुष्फलकीय ज्यामिति है तो संकरण कौन सा होगा, sp3। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति है तो हमारे पास संकरण कौन सा संभव है, या sp3d या dsp3। अब CFT की सहायता से अब आप ये डिसाइड कीजिए, खुद मालूम कीजिए क्या संकरण sp3d लिखे या dsp2 लिखे। इसी प्रकार से यहाँ अष्टफलकीय ज्यामिति है, संकरण का प्रकार क्या हो सकता है, sp3d2 या d2sp3, ये भी आपको जांचना है। आपने CFT को पढ़ा है, पढ़ करके आप बता सकते हैं आसानी से कि इनमें संकरण का प्रकार कौन सा है, ये आंतरिक कक्षक है या बाह्य कक्षक है, चक्रण युग्मित है या चक्रण मुक्त है, उच्च चक्रण है या निम्न चक्रण वाले संकुल है। इसी प्रकार से देखिए Mn2CO10 की हमारे पास ज्यामिति होती है, इसमें क्या होगा, MnO5 MnCO5 की दो इकाइयां परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है, यहाँ MnMn के बीच में बंध बना होता है। इसी प्रकार CO2CO8 में क्या होगा, कोबाल्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे तथा ये कोबाल्ट सेतु कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। धातु कार्बोनिलों के धातु कार्बन आबंध में सिग्मा तथा पाई दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर सिग्मा बंध भी होता है तथा पाई बंध भी होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम सिग्मा बंध का निर्माण होता है, सिग्मा बंध बनने के बाद में ही पाई आबंध का निर्माण होता है। MC का अर्थ है मेटल कार्बन सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युगल को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। क्या होगा हमारे पास पे, ये सिग्मा बंध कब बनेगा, जब कार्बन क्या करेगा, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, जो LP उपस्थित है, वो किसको दान करेगा, धातु के रिक्त कक्षक को दान करेगा, तो सिग्मा बंध बन जाता है। ठीक इसी प्रकार MC पाई आबंध कब बनेगा, जब धातु के पूरित डी कक्षक, यानी धातु के ऐसे डी कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वे क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रति आबंधन पाई स्टार कक्षकों को इलेक्ट्रॉनों का दान कर देते हैं, जिससे कि पाई बंध वहां पर बन पाता है। धातु से लिगेंड का आबंधन एक सहक्रियाशीलता का प्रभाव उत्पन्न करता है जो CO व धातु के मध्य आबंध को मजबूत करता है।
इसे बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। अब देखिए क्या होगा, हमारे पास में एक धातु परमाणु या धातु आयन उपस्थित है। इस धातु आयन के पास में दो प्रकार के कक्षक होते हैं, एक तो वो कक्षक जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है तथा रिक्त कक्षक। धातु आयन के ये रिक्त कक्षक हमें संकरण से प्राप्त होते हैं। धातु आयन के रिक्त कक्षक एक संख्या में संकृत होकर के संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। संकृत कक्षक इसके रिक्त होते हैं जिनमें यह लिगेंड से एलपी प्राप्त करता है, तथा इसके पूरित कक्षकों में जो कि असंकृत कक्षक होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से क्या है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी दो तरह के हमारे पास ऑर्बिटल्स या कक्षक उपस्थित होते हैं, एक वो कक्षक जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। यह कक्षक इस कार्बन मोनोऑक्साइड को लुईस क्षार बनाता है, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पाई स्टार वाले कक्षक जो कि रिक्त होते हैं। अब सर्वप्रथम जैसा कि हमने बताया, पहले सिग्मा बंद बनेगा। सिग्मा बंद बनने की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन अपना एलपी धातु के रिक्त संकृत कक्षकों को दान कर देता है, जिससे कि सिग्मा बंद का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही सिग्मा बंद बनेगा, एम तथा सी दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगे। पास पास आने की इस प्रक्रिया में क्या होगा, देखिए एम ने एलपी ले लिया है, इसलिए एम के ऊपर क्या होगा, आवेश का घनत्व बढ़ जाता है। अब एम क्या करेगा, जो मेटल है उसके पास जो असंकृत कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वह इलेक्ट्रॉन वह कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के रिक्त कक्षकों को दान करके पाईबंद बना लेता है। इस प्रक्रिया में क्या हुआ, जो एम के ऊपर हमारे पास ऋण आवेश का घनत्व बढ़ गया था, वह घनत्व कम हो गया, फलस्वरूप स्थायित्व बढ़ गया है। इस प्रकार के बंधन को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे इसे, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग हो जाने के बाद हमें इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। क्या हुआ, मेटल तथा कार्बन के बीच में सिग्मा बंद बन गया, तथा मेटल व कार्बन के मध्य पाई बंद बन गया। सिग्मा बंद कब बना, जब कार्बन ने अपना एलपी मेटल को दे दिया। पाई बंद कब बना, जब मेटल ने अपने एलपी कार्बन के पाई स्टार रिक्त कक्षकों में दान कर दिए। इसे सहक्रियाशीलता अबंधन या सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। इसी के कारण से कार्बोनिल यौगिकों के स्थायित्व में वृद्धि होती है। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो संकुल यौगिक है वह किस प्रकार का रंग प्रदर्शित करते हैं, वे रंगीन होंगे या रंगहीन, ये डिपेंड करता है कि वहां पर लिगेंड है या नहीं है। यदि लिगेंड नहीं है, कोई बंध वहां नहीं बना हुआ, तो हमारे यौगिक रंगहीन होते हैं। संकुल किस रंग को प्रदर्शित करेंगे, यह निर्भर करता है डेल ओ के मान पर, यह निर्भर करता है लिगेंड की प्रकृति पर, यह निर्भर करता है हमारा जो धातु आयन है उसकी ज्यामिति पर, जो धातु आयन है उसके ऊपर आवेश क्या है, इन सब कारणों पर संकुल का रंग डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हमने देखा कि बैक बॉन्डिंग के द्वारा कैसे कार्बोनिल यौगिकों में स्थायित्व की वृद्धि होती है, कैसे हमारे पास में कार्बन व मेटल के बीच में सिग्मा व पाई बंध बन पाते हैं। इसी के साथ हम आगे चर्चा अपनी प्रारंभ करेंगे, तथा अब बात करेंगे समावयवता के बारे में जो इन संकुल यौगिकों में पाई जाती है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। उप सहसंयोजन यौगिकों में समावयवता। समावयवता क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि समावयवी उनको कहते हैं जिनका अणुसूत्र तथा अणुभार तो समान होता है, परंतु उनकी भौतिक या रासायनिक या दोनों ही प्रकृतियां कैसी हो, अलग अलग हो, उन्हें समावयव कहते हैं, तथा इस परिघटना का नाम ही समावयवता होता है। समावयवता जो संकुल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है, सामान्यतः हम उन्हें दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग है संरचनात्मक तथा दूसरा है त्रिविम। संरचनात्मक का अर्थ यह है कि वहां पर यौगिक की संरचना में परिवर्तन होता है। यह समावयवता चार प्रकार की होती है, जिन्हें बंधनी समावयवता, उप सहसंयोजन समावयवता, आयनन समावयवता तथा विलायक योजन समावयवता भी कहा जाता है।
त्रिविम समावयवता का अर्थ है कि त्रिविम में जो हमारे पास परमाणु या अणु या जो समूह उपस्थित हैं उनकी स्थिति क्या है। यह समावयवता भी दो प्रकार की होती है, जिन्हें ज्यामिति समावयवता तथा ध्रुवण समावयवता भी कहते हैं। अब एक एक करके हम इन समावयवताओं के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। बंधनी समावयवता, यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें उभयदंतुक लिगैंड उपस्थित होते हैं। उभयदंतुक लिगैंड जैसे SCN, CN, ONO, अगर ये उपस्थित हैं तो वहाँ सामान्यतः बंधनी समावयवता दर्शाई जाती है। जब हम दो संकुल यौगिकों की तुलना करते हैं तो हमें आसानी से उसमें उपस्थित समावयवता का पता चल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो यौगिक हमारे सामने हैं, एक में उपस्थित है NO2, दूसरे में उपस्थित है ONO। यहाँ देखिए बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ NO2 और ONO यहाँ पर बंधन बदला है। पहले वाले एग्जाम्पल में बंधन नाइट्रोजन तथा कोबाल्ट के बीच में है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में बंधन कोबाल्ट तथा ऑक्सीजन के मध्य में है। बंधन में परिवर्तन हो गया इसलिए इसे बंधनी समावयवता कहते हैं। उपसहसंयोजन समावयवता, किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक एवं ऋणायनिक उपसहसंयोजन सत्ता के मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। ये देखिए सामान्यतः किसमें मिलेगी, जब हमारे पास धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल होते हैं तो उसमें हमें प्राप्त होती है। इस उदाहरण में आप देखिए CO ने NH3 के साथ में बंध बना रखा है तथा CR ने CN के साथ में बंध बना रखा है। क्या होगा, अब हमारे पास में CO जो है वो CN के साथ में बंध बना लेता है तथा CR जो है वो अमोनिया के साथ में बंध बना लेता है। अब इस बंधन को देखिए हमने क्या किया है कि लिगेंडों को परिवर्तित कर दिया है। क्या हुआ है, जो हमारे पास पहला वाला जो संकुल बन गया है CO CN Hall 6, ये कैसा है, ऋणावेशित संकुल है, तथा CR NH3 Hall 6, ये धनावेशित संकुल है। अतः हमें IUPAC के नियम के अनुसार इसे सही लिखना है। सही कैसे लिखेंगे, पहले हम धनावेशित संकुल को लिखेंगे फिर हम ऋणावेशित संकुल को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया है, CR NH3 का Hall 6, CO CN Hall 6। जब हम ये पहला और दूसरा उदाहरण तुलना करते हैं तो हमने यहाँ देखा कि क्या हो गया है, लिगेंड एक संकुल से दूसरे संकुल में परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रकार की समावयवता को उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। आयनन समावयवता, जब किसी संकुल में उसका प्रतिआयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो तथा किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके और विस्थापित लिगेंड प्रतिआयन बन सके तो इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण में हमारे पास में SO4 लिगेंड है तथा BR हमारे पास में क्या है, काउंटरआयन है। अब दूसरे एग्जांपल में क्या हो गया, BR लिगेंड बन गया तथा SO4 हमारे पास में क्या बन गया है, वो काउंटरआयन बन गया है। अब पहले वाले एग्जांपल में यदि पहले एग्जांपल को देखें तो ये आयनित होने पर ब्रोमाइड आयन देता है, जबकि दूसरा एग्जाम्पल है हमारा वह आयनित होने पर सल्फेट आयन देता है। अर्थात आयनन पर ये अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, इसे ही हम आयनन समावयवता कहते हैं। विलायक योजन समावयवता, जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। ये कब होना चाहिए, जब जल काम में आ रहा हो विलायक के रूप में तो उसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। एक समावयव में विलायक अणु धातु आयन से लिगेंड के रूप में सीधा बंधित रहता है तथा दूसरे समावयव में विलायक अणु संकुल के क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान रहता है। जैसे देखिए इस उदाहरण में H2O का जो अणु है वो लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है, दूसरे उदाहरण में देखिए वह लिगेंड के रूप में भी उपस्थित है, साथ ही साथ वह क्रिस्टलीय जल के रूप में भी उपस्थित है। तो इस प्रकार की समावयवता को हम विलायक योजन समावयवता कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता, जो कि एक प्रकार की त्रिविम समावयवता है, इस प्रकार की समावयवता हेट्रोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है।
अर्थात ऐसे संकुल जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, वे ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास में MX2L2 प्रकार, PTNS3 का होल ट्वाइस CL2, इसकी दो ज्यामितियां बन सकती है, एक ये है, दूसरा हमारे पास में ये ज्यामिति है। ये ज्यामिति कौन सी है? वर्ग समतलीय। यदि समान लिगेंड विकीर्ण में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, देखिए दूसरे उदाहरण में जब समान लिगेंड एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, एक विकीर्ण के ऊपर आ गए हैं, तो उसे हम विपक्ष समावयवी कहते हैं। यदि वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं है तो उसे हम समपक्ष समावयवी कहते हैं। इन्हें शॉर्ट में सिस व ट्रांस समावयवी कहा जाता है। MABXL यानी ऐसा अणु जिसमें क्या है हमारे पास में चार तरह के लिगेंड उपस्थित है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम PTNS3H2OBRCL। इसमें समावयवता किस प्रकार से होगी? यह तीन प्रकार के ज्यामिति समावयवी बनाता है। ये देखिए 1, 2 और 3 तीन प्रकार के ज्यामिति समावयवी है। इन ज्यामिति समावयवों को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले हम प्लेटिनम को लिख देंगे, हमारे दो विकीर्ण बना लेंगे और किसी एक कोने पर किसी भी एक लिगेंड की पोजीशन को फिक्स कर देते हैं। जैसे देखिए मैंने तीनों उदाहरण में अमोनिया की पोजीशन को फिक्स कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, बारी बारी से अमोनिया के सामने अन्य लिगेंड को लेकर के आना है। अमोनिया के सामने फर्स्ट एग्जाम्पल में हम BR को लेके आ गए, सेकेंड एग्जाम्पल में हम CL को लेके आ गए तथा थर्ड एग्जाम्पल में हम H2O को उसके सामने लेकर के आ गए। यहाँ पर देखिए तीन समावयवी बने हैं, इन तीन में से दो हमारे समपक्ष होते हैं अर्थात सिस होते हैं तथा एक ट्रांस होता है। जैसे क्या हो रहा है हमारे पास में, ये पहले दो कैसे हैं? सिस समावयवी है और ये हमारा लास्ट वाला उदाहरण है वो किसका है? ये ट्रांस समावयवी का है। हम इन्हें सिस क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मेरे अमोनिया H2O दोनों क्या है, दो उदाहरणों में एक ही तरफ है, उनका विन्यास एक ही ओर उपस्थित है, इसलिए हम इन्हें सिस कह रहे हैं। जबकि तीसरे उदाहरण में क्या हुआ, मेरा अमोनिया और H2O दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं, इसलिए मैं इसे ट्रांस कह रहा हूं। MX2L4 प्रकार के, यहां पर हमारे पास ज्यामिति होती है अष्टफलकीय, क्योंकि 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। जब 6 लिगेंड जुड़े हो, जैसे उदाहरण है CONH3 का होल 4 CL2+, तो यह भी समपक्ष तथा विपक्ष सिस तथा ट्रांस दो प्रकार की ज्यामितियों का प्रदर्शन करते हैं। यदि अष्टफलक के शीर्ष पर समान प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो तो उसे हम विपक्ष समावयवी कहते हैं। देखिए यहाँ CL दोनों अष्टफलक के एक ऊपरी सिरे पर है तथा दूसरा निचले सिरे पर उपस्थित है, यह एक विपक्ष समावयवी है, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा, इसका समपक्ष समावयवी बन जाता है। MX2LL2 प्रकार के उदाहरण, LL का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में ऐसा लिगेंड है जो द्विदंतुक है, यानी उसके पास दो दाता परमाणु है, जैसे CO, CL2, EN का होल ट्वाइस प्लस। इसमें भी दो समावयवी बनते हैं जिन्हें समपक्ष तथा विपक्ष कहा जाता है। विपक्ष समावयवी क्या होता है कि समान लिगेंड अष्टफल के ऊपर तथा नीचे उपस्थित होते हैं, जबकि समपक्ष समावयवी में क्या होते हैं, वो समान लिगेंड एक दूसरे के आमने सामने नहीं होते हैं। दो समावयवी बन गए, एक समपक्ष तथा दूसरा विपक्ष। MA3B3 यह एक विशेष प्रकार की समावयवताओं को दर्शाते हैं। यहां पर समपक्ष तथा विपक्ष प्रकार के समावयवी नहीं बनते हैं, यहां जो समावयवी बनते हैं उन्हें फलकीय तथा रेखांशिक समावयवी फेस तथा मर आइसोमर्स कहते हैं। अब देखिए फेस का मतलब क्या हुआ, यहां देखिए NO2 NO2 NO2, हमारे पास ये तीन लिगेंड क्या है, अष्टफलक की एक ही फलक पर उपस्थित है, जबकि ये अमोनिया 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 ये अष्टफलक की एक दूसरी फलक के ऊपर उपस्थित है, अर्थात सेम लिगेंड ऑन सेम फेस, एक ही प्रकार के लिगेंड एक ही फेस पर या फलक पर उपस्थित होते हैं तो उसे फलकीय समावयवी कहते हैं। यदि लिगेंड हमारे अष्टफलक के ऊपर और नीचे वाले सिरों पर उपस्थित हो तो उसे रेखांशिक या मर आइसोमर्स कहते हैं। ध्रुवण समावयवता,
यह भी एक प्रकार की त्रिविमीय समावयवता होती है। ध्रुवण समावयव एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, यानी एक दूसरे की मिरर इमेज होती है, जिन्हें एक दूसरे पर हम अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, हमारे बाएं हाथ की इमेज जो होती है वो दर्पण में कैसी बनेगी, दाएं हाथ जैसी, बाएं को दाएं पर नहीं रखा जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे बाएं हाथ का दस्ताना हम लोग दाएं हाथ में नहीं पहन सकते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के समावयव को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप समावयव या एनेंसियोमर्स कहा जाता है। अणु अथवा आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं उन्हें काइरल अणु कहते हैं। ये दो रूप दक्षिण ध्रुवण गुणक तथा वामवर्ती ध्रुवण गुणक कहलाते हैं, जिन्हें शॉर्ट में हम डी तथा एल लिखते हैं। यह डी व एल अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह डी होगा या एल होगा कि वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किस ओर घुमाते हैं। यदि वे दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो उसे डी रूप कहते हैं, यदि वे वामावर्त घुमाते हैं तो उसे हम एल रूप कहते हैं। प्रकाशिक समावयवता सामान्य रूप से द्विदंतुक लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। CoEn का होल थ्राइस 3+। देखिए ये हमारे पास में क्या है, इसका हमने समावयव बनाया। जब इसको दर्पण के सामने रखते हैं तो हमें इस प्रकार का इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं, अतः ये हमें प्रकाशिक समावयवता या ध्रुवण समावयवता दर्शा सकते हैं। इनमें से एक रूप डी रूप होता है तथा दूसरा हमारे पास एल रूप होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को वामावर्त व दक्षिणावर्त घुमा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए PtCl2 En whole twice 2+ b समावयवता हमें दर्शाता है ध्रुवण समावयवता। इसमें देखिए कि दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते हैं। यदि दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं तो वे समावयवता ध्रुवण समावयवता नहीं दर्शाते हैं। यहाँ पर एक रूप डी है तथा दूसरा रूप हमारे पास में एल है। उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। गुणात्मक तथा मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषणों में हम इनका बहुतायत से प्रयोग करते हैं, जैसे ADTA, DMG, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम। ADTA क्या होता है, इथेन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थ्रोल तथा क्यूप्रेफॉन का उपयोग हम क्वालिटेटिव व क्वांटिटेटिव एनालिसिस में करते हैं। जल की कठोरता का आकलन सोडियम ADTA द्वारा अनुमापन से किया जाता है कि जल में कठोरता का अर्थ क्या है, कि वहाँ पर हमारे पास सल्फेट नाइट्रेट क्लोराइड के जो हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट कितनी सांद्रता में कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं। धातुओं की कुछ प्रमुख निष्कर्षण विधियों में जैसे सिल्वर तथा गोल्ड के लिए संकुल विरचन में इनका उपयोग होता है। धातुओं का शुद्धिकरण उनके संकुल बनाकर तथा उसे पुनः विघटित करके किया जा सकता है, जैसे अशुद्ध निकल को NiCO4 में परिवर्तित करते हैं तथा उसे विघटित करके शुद्ध निकल प्राप्त कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल मैग्नीशियम का उपसंयोजन ये यौगिक होते हैं। देखिए क्लोरोफिल में कौन प्राप्त होता है हमें, वह मैग्नीशियम का एक संकुल यौगिक है वह। इसी प्रकार से जो हमारा हीमोग्लोबिन है रक्त में मिलता है वो आयरन का संकुल यौगिक होता है। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है वह एक कोबाल्ट का उपसंयोजक यौगिक होता है। अनेक औद्योगिक प्रक्रमों में संकुल यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, जैसे रोडियम का संकुल होता है PS3P होल थ्राइस RHCl, इसे हम विल्किंसन उत्प्रेरक भी कहते हैं। इसका उपयोग एल्गिनों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। वस्तुओं पर सिल्वर और गोल्ड का विद्युत लेपन धातु आयनों के विलयन की अपेक्षा उनके संकुल आयनों के विलयन से करने पर लेपन बहुत अच्छा होता है।
एक सार होता है तथा वह चिकना होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी विकसित की हुई फिल्म का स्थायीकरण यानी फिक्सेशन हाइपोविलियन में धोकर किया जाता है, जो अनअपघटित AGBR से संकुल आयन बना करके AgS2O3 होल ट्वाइस 3- बना करके उसको जल में घोल करके हटा देता है। पौधे या जीव जंतु जिनमें हमारे पास कोई तत्व अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया हो तथा वह विषैली प्रकृति का हो तो उसको हटाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कॉपर और आयरन की अधिकता को डी पेनिसिलिनम तथा डेसफेरसी ऑक्सीम बी लिगेंडो के साथ उपसंयोजन यौगिक बनाकर दूर किया जाता है। EDTA को लेड की विषाक्तता के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। प्लेटिनम के कुछ उपसंयोजन यौगिक ट्यूमर की वृद्धि को रोक देते हैं तथा जिनका उपयोग हम लोग कैंसर को रोकने में करते हैं, जैसे समपक्ष हमारे पास प्लेटीन होता है जिसे सिस प्लेटीन कहा जाता है। इस पाठ के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि वर्नर सिद्धांत क्या है, यह किस लिए दिया गया था तथा हम इसकी सहायता से किसी संकुल यौगिक की संरचना को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम भाग में हमने संकुल यौगिकों का IUPAC नाम लिखना सीखा तथा उसी की सहायता से हमने ये देखा था कि यदि हमारे पास नाम है तो उस नाम की सहायता से हम उसका सूत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं। द्वितीय भाग में हमने विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा की जिसमें BBT तथा CFT थे। BBT तथा CFT के आधार पर हमने इनकी चुंबकीय प्रकृति को जाना। हमने देखा कि लिगेंड प्रबल और दुर्बल दो प्रकार के होते हैं। प्रबल और दुर्बल लिगेंड हमारे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। प्रबल या दुर्बल लिगेंडों की उपस्थिति में हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है। तृतीय भाग में हमने चर्चा की कि संकुल यौगिक किस प्रकार से रंगों का प्रदर्शन करते हैं, इनके रंग दिखाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। हमने देखा कि कार्बोनिल यौगिकों में सिनर्जिक बॉन्डिंग से कैसे स्थायित्व में वृद्धि होती है। इस भाग में हमने चर्चा की कि ये समावयवता भी दर्शाते हैं। ये दोनों प्रकार की समावयवताएं दर्शाते हैं, जिसमें संरचनात्मक समावयवता भी है तथा त्रिविम समावयवता भी है, जो कि ज्यामिति समावयवता है तथा ध्रुवण समावयवता भी है। ये समतल प्रकाश के तल को घुमा सकते हैं, ये वामावर्त भी घुमा सकते हैं, ये दक्षिणावर्त भी घुमा सकते हैं। क्या सभी घुमा सकते हैं? नहीं, केवल कुछ ही। कौन से होते हैं वो? जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे किसी और अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।